यदि आप प्लान कर रहे हैं एक नया प्लांट लगाने की, एक बिजनेस स्टार्ट करने की, तो कमाल की ये वीडियो मिल रही है आपको। आपको लेके आ गया हूँ मैं मैन्युफैक्चरर के पास, जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेकिंग मशीन तैयार करते हैं। जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्लांट लगी हुई है जिससे तैयार होती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। अभी के टाइम में एक ऐसी ईंटें जो हर जगह चल रही है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ईंटें होती थी जो मिट्टी से बन रहे होते थे, वो धीरे धीरे बंद कर रही है सरकार, भी बंद कर रही है, बाकी वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं अगर कंपेयर करें इस ब्रिक्स के मुकाबले में। तो काफ़ी डिमांड हो गई है इस बिज़नेस की, तो इसी बिज़नेस के लिए मैं लेके आ गया हूँ आपको फिरोज़ाबाद में, जहाँ पे ये प्लांट लगी हुई है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और सारी प्रोसेस बताएंगे कि आप इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं, क्या खर्चा पड़ता है और कितनी प्रॉफिट आपको होने वाली है। और जैसा कि हमारे सामने देख रहे हैं, ये दीवारें बनी हुई है और इसमें जो ईंट लगी हुई है, ये वो ईंटें नहीं है जो पका के बनाए जाते हैं, मिट्टी के ईंटें नहीं हैं, बिल्कुल अलग तरह की ईंटें हैं। कुछ ऐसा ही ईंटें तैयार होता है यहाँ पे, जिसके लिए एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेकिंग मशीन। उसी मशीन के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं पारुल बात कर रही हूँ आगरा वैष्णो कृपा से। सर, ये जो आप ब्रिक देख रहे हैं, ये फ्लाई ऐश ब्रिक है जो हम लोग मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, और ये फ्लाई ऐश ब्रिक उसी मशीन से बनती है। ओके ओके जी। ये इस तरफ भी जो लगे हुए हैं, ये सारे फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं? जी सर जी, ये भी सर सारी ब्रिक्स ये फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन से बनी हुई हैं। ये देखिए, ये जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं, ये मशीन से बनती है। और ये मशीन अगर आपको लेना हो तो मशीन कहाँ से मिलती है मैम? सर, आगरा वैष्णो कृपा में हमारी कंपनी है, वहाँ से आपको मशीन परचेज करनी होगी। यहाँ पे आप सामने में देख सकते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन जो होती है, इसके फायदे क्या क्या हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, काफी सारे इसके बेनिफिट हैं जो आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। मजे की बात यह है कि इस बिजनेस को आप गाँव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे इस तरह की ईंटें की रिक्वायरमेंट होती है। यही वो मशीन है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। जी सर, यही वो मशीन है जैसे ये आप जो देख रहे हैं। जी, क्या बोलते हैं इसको? पैन मिक्सर। ओके, ये जो है पैन मिक्सर है, इसमें यानी मसाला तैयार होता है। मसाला तैयार होकर के ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू मसाला ऊपर जाता है। ये देखिए, ये मसाला इसके थ्रू ऊपर जाता है। अभी आप देख रहे हैं ये भैया इसके अंदर डालेंगे, तो मसाले में क्या क्या चीजें डलती है इसमें? सर, फ्लाई ऐश रहता है, स्टोन डस्ट रहता है और कुछ परसेंट सीमेंट रहता है। सर, ये हॉपर है मैम? जी सर, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हॉपर में आएगा, हॉपर से डाई में मसाला फीड होता है। ओके, और इस तरफ आप देखिए किस तरह से ब्रिक्स हो रही है तैयार यहाँ पे। वाओ, ये देखिए गर्मा गर्म ब्रिक्स तैयार हो रहे हैं, ईंटें बन रही है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से काम चलता है। ये देखिए, ये वो मशीन है। तो इसमें कितना बन जाता है एक साथ में? सर, इसमें जो आप देख रहे हैं ये 6 ब्रिक बन रही है एक बार में, देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे। बाकी वेबसाइट है इनकी, वहाँ पे भी डिटेल सारा मिल जाएगा। पहले जो दिखाया था हमने वो फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप था मैम, ये किस तरह की मशीन है? ये सर, ये मेटल टू मेटल हाई प्रोडक्शन मशीन है सर। तो ये उससे भी ज्यादा हाई है और इसकी प्रोडक्शन उससे भी ज्यादा है। ये क्या प्रोडक्शन देती है? ये लगभग आपको 1500 ब्रिक का पर आवर्स का प्रोडक्शन देगी। वाओ, पिछली बार जब वीडियो हमने बनाई थी तो वो 1200 के आसपास की प्रोडक्शन थी। तो कुल मिला के ये हाई पावर की पूरी मशीन आपको यहाँ पे मिल रही है, और देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। इसमें भी ब्रिक्स 6 के 6 एक साथ में तैयार होते हैं, और ये देखिए ये पूरा का पूरा ये सेटअप है इनका। आइए थोड़ा सा और जानते हैं टेक्निकली इस मशीन के बारे में। आज नरेश जी हमारे साथ में हैं। सर कैसे हैं? नमस्कार जी सर, बहुत अच्छे हैं। सर थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को, आप तो टेक्निकली देखते हैं मशीन को, क्या है कंसेप्ट, कैसे ये मशीन काम करती है? सर, ये हमारी हाई प्रोडक्शन मेटल टू मेटल 6 ब्रिक मशीन है। ओके, इसमें हमारे दो मॉडल हैं, 4 ब्रिक और 6 ब्रिक। 6 ब्रिक ये सबसे अच्छी मशीन है, कम कॉस्ट के हिसाब से, कम लेबर के हिसाब से प्रोडक्शन इसका बहुत हाई है। ओके, यानी खर्चा कम पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा है। जी जी, क्या बात है। तो ये देखिए ये मशीन है। सर, ये जो पूरा एरिया है जितने मशीन लगी है, कितना एरिया चाहिए होता है इसके लिए? केवल मशीन आपको लगानी है तो आपके 30x20 के एरिया में मशीन आराम से इंस्टॉल हो जाती है। इसका जो कंट्रोल पैनल है वो सारा आप जैसा देख रहे हैं, जो मशीन के साइड में लगाया है, क्योंकि मेटल टू मेटल मशीन है, इसमें पैलेट्स हाथ से लगाई जाती है। ओके, और पैनल इसमें पास में इसलिए दिया गया है कि यहीं से ऑपरेटर से ऑपरेट भी करता है और पैलेट भी मशीन के सामने लगाता है। सेफ्टी के मामले में भी देखें तो अच्छा हो गया, ज्यादा कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें इसमें देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो क्या सर ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है या नॉर्मल आदमी चला सकता है इस मशीन को?
जी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, एक नॉर्मल आदमी चला सकता है आराम से इस मशीन को। आराम से थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए तो वो चला सकता है। बेसिक ट्रेनिंग जरूर होती है हर मशीन के लिए। ये देखिए तो पूरा का पूरा आपको ट्रेनिंग वगैरह इसके लिए मिलती है और टीम पूरा सपोर्ट करती है। वैष्णो कृपा आगरा की मैन्युफैक्चरिंग है ये मशीन। सर ये तो मशीन है ही, इसके अलावा कौन कौन सी मशीन बनाते हैं आपकी फैक्ट्री? सर हमारे यहाँ 4 ब्रिक से और 15 ब्रिक तक की मशीनें बनाई जाती हैं और एज पर एज ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर बनती हैं। पूरा कस्टमाइज का ऑप्शन है जी, जिसको जितना चाहिए उतना बना सकते हैं आप। एक छोटे लेवल से स्टार्ट करें तो 4 ब्रिक से कर सकता है जी। बिल्कुल, हमारी 4 ब्रिक जैसे कि आपने देखा है बजट मशीन है जी, जो बिगनर के लिए सबसे अच्छी है। बिल्कुल, रेगुलरली यहाँ की वीडियो अब तक आती रहती है, आप बजट मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मशीन क्या सर, मान ली बिजली पे ही चलती है या इंजन से भी चल सकता है ये? सर ये मशीन बिजली से ही चलती है, इस पे इंजन से आप रन नहीं कर पाएंगे। ओके ओके। हाँ लेकिन बिजली कम बिजली खाती है, इसमें 2 मोटरें हैं, इसमें 7.5-7 HP की और 1.5 से 2 की एक कन्वेयर बेल्ट की होती है और इसने से ही पूरी मशीन रन करती है। कोई गारंटी वारंटी होती है सर कोई अगर मशीन लेता है? 1 साल तक की सर हमारी कंपनी की गारंटी होती है। वैष्णो कृपा आपको 1 साल तक साइट पे ही जो भी दिक्कत होंगी उनका सॉल्यूशन देगी आपको, कहीं भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सर्विस के लिए कोई टेंशन नहीं है, हमेशा सर्विस अवेलेबल रहती है, बैकअप सपोर्ट पूरा देते हैं आप लोग? पूरा मिलता है। तो ये मशीन है जो बनाती है ब्रिक्स और आप देख रहे हैं सामने में बिल्डिंग बन रही है वो भी इसी ब्रिक्स से बन रही है और अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये मशीन। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप वैष्णो कृपा से ले सकते हैं। जो मेन होता है सर क्या ध्यान रखना पड़ता है इस मशीन में? सर बेसिकली ये मशीन सर ऑटोमेटिक मशीन में आती है जी, तो जो सेंसर वगैरह इनका ही ध्यान रखना पड़ता है। वैसा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप जो सेंसर आप सामने देख पा रहे हैं इन सेंसरों की प्रॉपर पोजीशनिंग है, जैसे इस समय पर अपनी सही पोजीशन पे हैं वो सारे देखना पड़ता है। मशीन चलते चलते कभी वो लूज हो जाता है तो आगे पीछे होने की वजह से थोड़ा प्रेशर कम ज़्यादा या फिर आगे पीछे का मूवमेंट थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, रफ टफ चलती है मशीन और अच्छी प्रोडक्शन देती है। तो आप ले सकते हैं ये ब्रिक्स मेकिंग मशीन और अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अभी यहाँ पे भी जो देख रहे हैं ये सारे दीवाले वगैरह जो बनी है सर इसी ईंट से बनी है मेरे ख्याल से, तो आप देख रहे हैं किस तरह से परफेक्शन है और कितनी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स तैयार होती है। जैसे मैंने बताया कि ये वाली जो मशीन है वो रिसेंटली लगी है, तो आइए जानते हैं इन यहाँ के ऑनर से हम जानना चाहेंगे। सर कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। थोड़ा सा बताएं ये वाली जो मशीन है अभी कितने टाइम पहले लगाया आपने? ये तो अभी इंस्टॉल हो रहा है। okay. इससे पहले हमने बजट मशीन को लगाया था जो कम पैसे से चल जाता, उसका लाइट कंजप्शन भी बहुत कम था और इंजन से भी चल जाता था, लेकिन यहाँ जो रिक्वायरमेंट ईंट की थी तो उसके हिसाब से हमें लगा कि ये प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी जी। और हम वो प्रोजेक्ट जो लगाने जा रहे हैं वो अधूरा है, तो हम हमारे जो कंपनी जहाँ से हमने मशीन लिया है वैष्णो कृपा जी, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप मशीन बड़ी लगाइए और इस मशीन को हम वापस ले लेते हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया और हमने इस मशीन को बड़ा लगाया और हमें लगता है कि अब ये प्रोडक्शन हमें जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे पाएगी। ग्रेट, अमेजिंग। तो आप देख रहे हैं मुझे लग रहा था शायद पहली बार सर ने लगाया है, बट सर ने पहले छोटी मशीन जो बजट मशीन होती है वैष्णो कृपा से लिया था सर आगरा से आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो वैष्णो कृपा से इन्होंने लिया मशीन क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ज्यादातर लोगों को ये नहीं रहता कि इतना अच्छा जो हमारा काम चलेगा या इतनी डिमांड हो जाएगी, तो छोटी मशीन आपने प्रेफर किया था जी। अब आपको डिमांड आ रहे हैं और आपका लग रहा है कि नहीं प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए तभी हम पूर्ति कर पाएंगे। दूसरा क्वालिटी भी, जितना हैवी मशीन में जाते हैं क्वालिटी भी उसकी बढ़िया होती जाती है। सर क्या क्या डालते हैं आप इस ब्रिक्स को बनाने के लिए? इसमें बनाने के लिए हम फ्लाई ऐश और डस्ट और सीमेंट, ये 3 चीज़ को मिक्स करके ईंट बनाते हैं। तो ये 3 चीज़ों से बनती है ये ईंटें और आप देख रहे हैं मैं जो भी लेके आया हूँ कोई ऐसा नहीं है कि शहर में लेके आया हूँ, ये पूरा गांव का एरिया है और आप खेत खलिहान देख ही रहे हैं। तो सर इस काम को गांव में भी लोग आसानी से कर सकते हैं? हाँ आसानी से कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें सर वैष्णो कृपा से, काफ़ी टाइम से आप जुड़े हुए हैं तो कितना सपोर्ट मिलता है आपको? नहीं अच्छा सपोर्ट मिलता है इनको, जो है ना नंबर हम तो 5 देंगे 5 स्टार में। ओके। दूसरा जो है ना जैसे कि हमने 50-60 हज़ार ईंट बजट मशीन से बनाई जी, तो लोगों ने रिक्वायरमेंट किया कि हमें ईंट चाहिए हमें ईंट चाहिए, तो उस ईंट को हमें ही खुद जरूरत थी तो हम उसी से अपना ये बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं।
क्या बात है, क्या बात है। तो कुल मिला के आप देख ही रहे हैं, जैसा मैं भी बता रहा था आपको, ये जो बिल्डिंग है इधर बन चुकी है, उधर बन रही है, तो खुद भी यूज कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस शो करता है कितनी अच्छी क्वालिटी है। जब यहाँ लोग देखते हैं आके कि ये ईंट की क्वालिटी अच्छी लग रही है, दीवार जो है बिना प्लास्टर के ये अच्छी लग रही है जी, तो वो लोग भी हमसे जो ना ईंट की डिमांड करते हैं। एक तरह से एडवर्टाइजिंग का भी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, कि लोग लाइव आके देख रहे हैं कि जो खुद अपने घरों को इस ईंट से बना रहा है तो कितनी अच्छी क्वालिटी उनकी होगी। बनने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह जो है ये अभी इसको ड्राई किया जा रहा है, और फिनिशिंग आप देख रहे हैं किस तरह की है। तो इस तरह की ईंटें आप भी तैयार कर सकते हैं अपने एरिया में, गांव में, शहर में, कहीं पर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैम काफी अच्छा लगा, आपके कस्टमर भी काफी खुश हैं जिन्होंने लिया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम उन्हीं के साइट पे आके दिखा रहे हैं लोगों को, तो ट्रस्ट और बढ़ जाता है, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा देख के। मैम ये मशीन जो है वो ब्रिक्स बनाती है, तो एक ब्रिक्स का कॉस्ट कितना पड़ता है, कितना प्रॉफिट होने वाली है? सर देखिए, जो हम ब्रिक की कॉस्ट निकालते हैं वो रेशियो इस तरीके से रहता है हमारा, कि आपको फ्लाइयर्स कहाँ से मिल रही है, स्टोन डस्ट कहाँ से मिल रही है, मतलब रॉ मटेरियल आपको कहाँ से परचेज कर रहे हैं और कितने का मिल रहा है। तो लगभग ये जो ब्रिक आपको रेडी हो रही है वो आपकी 4 रुपए में रेडी हो रही है। ओके ओके ओके। और जो इसकी सेलिंग कॉस्ट होगी मैम, कितने में बिक जाती होगी ब्रिक्स? सर 1 रुपए का मार्जिन आप मान करके चलिए, 1 से 1.5 रुपए का मार्जिन होता ही होता है सर, मिनिमम 1 रुपया तो है ही है जी सर जी। तो 1500 एक घंटे में तैयार करती है, यानी 8 घंटा भी अगर चला मशीन तो आप सोच सकते हैं 12,000 रुपया कहीं नहीं गए जी, बिल्कुल प्रॉफिट है ना। तो आपका प्रॉफिट काफी अच्छा हो जाता है, 1 रुपए के हिसाब से भी अगर आप देखें तो काफी अच्छा, यानी 10,000-12,000 रुपया आप अगर काम करते हैं तरीके से तो डेली का कमा सकते हैं, यानी कुल मिला के 2-3 लाख रुपया महीने का कमाना मुश्किल नहीं है सर, बिल्कुल। पास के लोगों को लेना हो तो क्या लोकेशन एड्रेस होगा थोड़ा सा बताएं? यहाँ का जो लोकेशन रहता है ना वो लालई खैरगढ़ रोड ब्लॉक हाथवन फिरोजाबाद, ये इस तरह से एड्रेस रहता है। ओके, आपके पीछे सर एक बोर्ड लगी हुई है, तो क्या आप ये चिकित्सा वगैरह भी में भी लोगों को मदद करते हैं? हाँ, हम जो है ना गब्बे स्थित डॉक्टर डीएल कुशवाहा शिल्पकार एमडी पंचगब्बे जी आरएएमपी, तो हम लोग इस विषय का ज्ञान रखते हुए गौ विज्ञान को जानते हुए पंचगब्बे आयुर्वेद से चिकित्सा करने का काम भी करते हैं, औषधीय निर्माण भी करते हैं। क्या बात है, तो देख सकते हैं पीछे में इनका बोर्ड लगा हुआ है पूरा यहाँ पे, तो इस तरह के भी कोई भी तरह की आपको अगर सहायता चाहिए तो यहाँ पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सारी चीजें हमने जानने की कोशिश की वीडियो में, मशीन आपने देख ली है, कैसे मशीन काम करती है लाइव हमने दिखाया है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीजों के साथ। जय हिंद, जय भारत।